हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल शेफ अशोक स्ट्रीट में। मैं हूँ शेफ अशोक। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा चिली गार्लिक नूडल्स बनाने की बहुत ही आसान रेसिपी। खाने के अंदर ये बहुत ही स्वादिष्ट रहता है, हल्का सा स्पाइसी रहता है, थोड़ा सा चटपटा रहता है। रेसिपी अगर अच्छी लगती है आपको तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। चिली गार्लिक नूडल्स बनाने के लिए सबसे पहले हम चिली पेस्ट बना लेते हैं। इसके लिए मैंने लिए यहाँ पर रेशम पट्टा मिर्ची 5 से 7 और 5 से 7 नॉर्मल साबुत लाल मिर्ची। इनको तोड़कर हम इनके सीड्स को अलग कर लेंगे। उसके बाद इनको हम ब्लांच कर लेंगे। करीब 5 मिनट तक हम इनको ब्लांच करेंगे। आप चाहे तो हॉट वाटर के अंदर डाल के भी 10 से 15 मिनट तक रख सकते हैं, उससे काफ़ी अच्छी सॉफ्ट हो जाएगी। करीब 5 मिनट हो चुके हैं, देखिए यहाँ पर मिर्ची हमारी काफ़ी अच्छी सॉफ्ट भी हो चुकी है। और जारे से हम इसे स्टैंड कर लेंगे ताकि इसके जो एक्स्ट्रा सीड्स है वो सारे निकल जाएंगे। उसके बाद हम इसे ठंडी कर मिक्सी के जार के अंदर डालकर पेस्ट बना लेंगे। 5 से 7 लहसुन की कली साथ में डाल देंगे। ये देखिए, बस इस तरह एकदम बढ़िया सा पेस्ट बना लेंगे। अब चलते हैं अगले स्टेप की ओर। यहाँ पर देखिए, एक चाइनीज वॉक के अंदर थोड़ा सा ऑयल ऐड कर लेंगे, करीब 5 से 7 टेबल स्पून। जैसे ही ऑयल हमारा गर्म होता है तो 1 बड़ा चम्मच भरकर हम इसके अंदर चॉप गार्लिक ऐड कर लेंगे। 1 चम्मच भरकर हम इसके अंदर जिंजर ऐड कर लेंगे। जिंजर की मात्रा थोड़ी कम रखेंगे, 1 टीस्पून जिंजर डालेंगे और 1 टेबल स्पून चॉप गार्लिक डालेंगे। दोनों को पहले हम अच्छे से सौते कर लेंगे। जब गार्लिक हमारा 70 से 80% तक कुक होने आ जाएगा तब हम इसके अंदर चिली पेस्ट ऐड कर लेंगे। चिली पेस्ट को अच्छे से पोंच कर हम इसमें डाल देंगे। सारा चिली पेस्ट डालने के बाद मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर हम इसे अच्छे से पकाएंगे। करीब 5 से 7 मिनट का समय इसमें और भी लगेगा। कंटिन्यू हिलाते हुए हम इसे बढ़िया सा पका लेंगे। जब इसका रोगन सारा अलग हो जाएगा तब हम समझ सकते हैं कि काफ़ी अच्छे से पक चुका है। देखिए, अब मैं इसमें ऐड कर लेता हूँ स्पाइसेज। के अंदर हम नमक डालेंगे स्वाद अनुसार 1/2 छोटा चम्मच, एरोमेट पाउडर 1 छोटा चम्मच, साथ में यहाँ पर टोमेटो केचप डालेंगे हल्की सी स्वीटनेस के लिए 2 टेबल स्पून, थोड़ा सा वेनेगर डाल देंगे हल्की सी खटाई के लिए, और वेनेगर इसका स्पाइसनेस को भी कम करता है। टोमेटो केचप डालने से भी इसकी जो स्पाइसनेस है वो थोड़ी कम हो जाएगी। उसके बाद करीब 1 मिनट तक हम इसे और पका लेंगे, उससे हमारा ऑयल सारा रिड्यूस होकर ऊपर आ जाएगा और पेस्ट हमारा बन के तैयार हो जाएगा। इसे आप करीब 10 से 15 दिन तक रख भी सकते हैं, काफ़ी अच्छे तक स्टोरेज कर इसका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। बस इसके ऊपर ऑयल रहना चाहिए ताकि ये ख़राब नहीं होगा। चलिए अब चलते हैं अगले स्टेप की ओर। यहाँ पर हम नूडल्स बॉईल कर लेते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर एक बर्तन के अंदर पानी चढ़ा लिया, उसमें हल्का सा हमने ऑयल ऐड कर लिया। आप चाहे तो इसमें साथ में थोड़ा सा सॉल्ट भी ऐड कर सकते हैं। वैसे मैंने यहाँ पर टॉप्स कंपनी के नूडल्स लिए, प्लेन नूडल्स, ये पतले आते हैं और अच्छे भी आते हैं। आप कोई भी कंपनी के नूडल्स यूज कर सकते हैं। जैसे ही पानी के अंदर उबाल आता है तो यहाँ पर 1/2 पैकेट नूडल्स हम इसमें ऐड कर लेंगे। वैसे मैं यहाँ पर आपको एक पोर्शन नूडल्स बना के बताऊँगा, लेकिन हम यहाँ पर 1/2 पैकेट नूडल्स बॉईल कर रहे हैं। मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर करीब 2 से 3 मिनट के अंदर नूडल्स हमारे बॉईल हो जाएंगे। नूडल्स को हम 80% तक ही बॉईल करेंगे, पूरा बॉईल नहीं करेंगे, नहीं तो क्या स्टैंड करने के बाद भी इसका कुकिंग प्रोसेस चालू रहता है और ये ओवर कुक हो सकता है। अगर कभी आपका नूडल्स ओवर कुक हो जाए यानी 100% तक कुक हो जाए तो आपको उसमें हाथों हाथ स्टैंड करने के बाद में उसके ऊपर चिल्ड पानी डाल देना चाहिए, यानी ठंडा पानी डाल के इसको ठंडा कर देना चाहिए ताकि इसका कुकिंग प्रोसेस रुक जाए। देखिए, यहाँ पर नूडल्स हमारे बॉईल हो चुके हैं। इसके बीच में एक हल्की सी पतली सी लहर दिख रही है ना, इसी स्टेज के ऊपर हम इसे स्टैंड कर लेंगे और इसके ऊपर थोड़ा सा पानी भी ऐड कर लेंगे ताकि ये ठंडा हो जाए थोड़ा और वॉश भी हो जाए और साथ में इसका कुकिंग प्रोसेस भी रुक जाए। बस करीब 5 से 10 मिनट तक हम इसको रख लेंगे आराम से ताकि इसके अंदर जो भी एक्स्ट्रा पानी रहेगा वो सारा निकल जाएगा। उसके बाद इसके ऊपर हल्का हल्का सा हम ऑयल लगा लेंगे, इससे क्या है नूडल्स हमारे आपस में चिपकेंगे नहीं। देखिए, बस ऑयल लगाने के बाद में आपने इसे एक बार अच्छे से हिला देने का है ताकि ऑयल सारे नूडल्स के ऊपर अच्छे से लग जाए। देखिए, मैंने यहाँ पर कुछ इंग्रेडिएंट्स कटिंग करके रखे हैं। इसके अंदर लाल पीला ग्रीन कैप्सिकम हो गया, ऑनियन हो गया, कैबेज, थोड़ी सी ग्रीन चिली और कैरेट है। ग्रीन चिली को हमने जूलियन या लंबा लंबा कट कर लिया। सारे इंग्रेडिएंट्स को जूलियन कटिंग में कर लिया। अब चलते हैं अगले स्टेप की ओर। यहाँ पर एक चाइनीज वॉक के अंदर थोड़ा सा पहले ऑयल डालेंगे। ऑयल को अच्छे से पहले हम गर्म करेंगे, इससे क्या है हमारी चाइनीज वॉक थोड़ी सी अच्छे से नॉन स्टिक हो जाएगी, इससे क्या है कि नूडल्स अंदर चिपकेंगे नहीं। जब भी आप राइस बनाए या नूडल्स बनाए तो आपको चाइनीज वॉक को थोड़ी सी नॉन स्टिक कर देनी चाहिए, इससे आपके राइस और नूडल्स अंदर चिपकेंगे नहीं। हल्का सा ऑयल हम इसके अंदर बचाएंगे और 1 छोटा चम्मच भरकर गार्लिक ऐड कर लेंगे। गार्लिक जैसे ही आपका सौते होता है तो उसमें ग्रीन चिली भी हम ऐड कर लेंगे और ग्रीन चिली और गार्लिक को थोड़ा सा पहले अच्छे से सौते कर लेंगे।
बस उसके बाद थोड़ा सा ग्रीन चिली और गार्लिक हम निकाल देंगे, ये ऊपर गार्निश के लिए काम आएगा। अब हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे बेल पेपर, रेड येलो ग्रीन कैप्सिकम और ऑनियन, दोनों को साथ में अच्छे से पहले थोड़ा सा सौते कर लेंगे 10 से 15 सेकंड तक। गैस की फ्लेम फुल रहती है तो बहुत ज़्यादा देर तक हम इसे सौते नहीं करेंगे। उसके बाद हम इसके अंदर कैबेज और कैरेट डाल देंगे। कैबेज और कैरेट को भी थोड़ा सा हम सौते कर लेंगे। वैसे चाइनीज़ की ये जो कटिंग होती है ना, ये कटिंग नॉर्मली आधी कच्ची ही जाती है। चाइनीज़ की वेजिटेबल्स या चाइनीज़ की डिशों के अंदर ये जो वेजिटेबल्स की कटिंग रहती है ये आधी कच्ची ही जाती है। चलिए कैबेज और कैरेट को भी हमने सौते कर लिया। उसके बाद में 2 छोटे चम्मच भरकर मैं इसमें चिली पेस्ट ऐड कर लूँगा। अगर आप स्पाइसी खाते हैं तो, अगर स्पाइसी थोड़ा कम खाते हैं तो चिली पेस्ट की मात्रा आप थोड़ी कम भी कर सकते हैं। उसके बाद वेजिटेबल्स के साथ में चिली पेस्ट को थोड़ा सा हम अच्छे से सौते कर लेंगे ताकि चिली पेस्ट अच्छे से सब तरफ मिल जाए। उसके बाद देखिए यहाँ पर हम अब ऐड कर लेंगे नूडल्स। एक पोर्शन नूडल्स मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ। थोड़ा सा स्पाइसेज हम इसमें डाल देंगे, नमक डालेंगे स्वादानुसार, साथ में एरोमेट पाउडर 1/2 छोटा चम्मच, हल्का सा वाइट पेपर डालेंगे और थोड़ा सा यहाँ पर रेड चिली सॉस डालेंगे 1 छोटा चम्मच जितना, या 1 टीस्पून, 1 टेबल स्पून जितना। साथ में यहाँ पर 1.5 टेबल स्पून जितना टमाटो केचप डाल देंगे और थोड़ा सा स्प्रिंग ऑनियन डाल देंगे। बस यहाँ पर गैस की फ्लेम को चालू कर लेंगे। आप चाहे तो फुल फ्लेम के ऊपर भी इसे पका सकते हैं, आप चाहे तो मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर भी पका सकते हैं। बस आराम से हिलाते हुए सबको बढ़िया सा मिक्स कर लेंगे। बहुत ही आसान रेसिपी है, इजीली इसे आप घर पे बना सकते हो और एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल के अंदर, और खाने के अंदर तो आपको पता है कितना स्वादिष्ट लगता है। देखिए आराम से मैंने इसे घुमाकर टोस्ट कर लिया। आप चाहे तो स्लाइसर की सहायता से भी इसे हिलाकर मिक्स कर सकते हो। हल्का सा स्प्रिंग ऑनियन के गार्निश करेंगे और इसे हम सर्व कर लेंगे। तो फ्रेंड्स ये थी आज की हमारी चिली गार्लिक नूडल्स की रेसिपी। तो ऊपर हम चिली और गार्लिक जो हमने निकाल कर रखा था वो डालकर गार्निश कर लेंगे और इसे हम सर्व कर लेंगे। रेसिपी अगर अच्छी लगी हो आपको तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।